ट्रैक्टर मेकिंग जिंदाबाद चैनल में सबसक्राइब करो ते नवीं नवीं वीडियो देखने लिए नोटिफिकेशन बैल नूं ऑल ते करके प्रेस करो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारयां नूं। अज दी वीडियो विच आपां अनबॉक्सिंग कर लगे हां अपने इस ईएससी दी। ते ईएससी जिहड़ा अपने कोल पहुंच गया, आपां नूं ईएससी दी कोई उम्मीद नहीं सीगी कि अपने कोल ईएससी पहुंच जूगा, क्योंकि जिहड़ा हर जिले दे विच लॉकडाउन लगा होया वा करोना करके। सो फरीदकोट जिले विच लॉकडाउन थोड़ा है घट आ, इत्थे आवाजाई थोड़ी ज़्यादा, यानी कि इत्थे 4 बजे ताईं 5 बजे ताईं हैगी है छूट, ते आम जिलों विच 2 बजे ताईं 12 बजे ताईं छूट आई, यानी कि 12 बजे नूं दुकानां जां होर कुछ सारा कुछ बंद कर दिंदे आ। सो इस जिले विच थोड़ी जी खुल हैगी आ, तां करके जिहड़ा अपना इह प्रोडक्ट अपने कोल पहुँच गया है। ते वैसे मैनूं कोई भी उम्मीद नहीं सीगी जे अपना इह प्रोडक्ट अपने कोल ना आउंदा। अपना जिहड़ा ट्रैक्टर आ, तुहानूं अगे ही विखाया सीगा पिछलियां वीडियो 'च, ये जॉन डीयर ट्रैक्टर है, ये हजे इसका हिस्सा ही है, कला शो वगैरह इसे आप फिट करनी है। ये अपना तैयार नहीं होना सीगा, क्योंकि तार इस करके होना सीगा जिहड़ा अपना ईएससी हो गया खराब, ये जिहड़ी मेन मोटर नहीं घकाउंदा सीगा। सर्वो तो इस ते सही काम कर दियां सीगियां, आदा ही अपना रिसीवर आ, ते इस ते जिहड़ियां मेन मोटरां सीगियां है ना, जिन्हां ने टायरां नूं गेड़ना सीगा वह नहीं इस ते काम करदी सी सही, ते उस दे लई आपां नूं जिहड़ा नवां ईएससी मंगाउणा पै गया। ते ईएससी अपने कोल जिहड़ा पहुँच गया, तो हम आप इस बहर कट लें, तो ई एस सी विखा दें जी। ई एस सी के आप उत्तों कवर वगैरह पहले ही उतार लिया। हाँ जी, आ अपना ई एस सी है, तो आप तारा विखा दें इसकी। इस जो आ रिसीवर आह जी अपना पॉइंट आई लगेगा जी अपना रिसीवर दे, आ जी इसकी ऑन ऑफ वाली स्विच आ जी, ये अपनी मेन मोटर नहीं जाएगी वो आई, तो इधरों आ जिहड़ा ही इसका करंट वाला। सो 5 ही इस दे आ, 4 ही हो, एक स्विच आ, एक रिसीवर वाली, एक मेन मोटर वाली, एक करंट वाली, ठीक है जी। तो बालियां तारा नहीं जिहड़ियां अपने कोल आ ई एस सी सी जी, ये आप पहला मंगाया सीगा, इसकी भी अनबॉक्सिंग की, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे विच दे दांगा। सो इसकी पिछले साल अनबॉक्सिंग की, इस दे तारा काफ़ी सी जी, तो आ देख सकते हो इतों आप कटिंग की हुई भी इस जिहड़ियां रिसीवर च लगन वाली भी तारा दो सीगियां, आ देख सकते हो दो तारा सीगिया, ठीक है जी। तो उस तो बाद आ अपनी मेन मोटर वाली सीगिया, तो इतों आप कटिंग की कुछ तारा की, तो मुकाबले तो सैज तो जी सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं गा। सो इस तारा वगैरह बालिया सीगिया, तो हम आप जी इस चला के वेख लें, तुम्हें भी दिखा दें चला के। तो सब तो पहले ही आप जो आसका प्लग आप इस कटिंग करके ला लें जी, ठीक है जी, क्योंकि अपने को इन्हों के कंडक्टर है जोड़े है नहीं गए, तो आप इधरों इस तरह वैसे एक दूजे फिक्स हो जाते हैं, पर इधरों आप इधरों मेन करंट वाला कटिंग करके, तो इधरों आप वाला मोटर ला देंगे, तो आ जरा इधरों आप प्लग ना ला लें। हाँ जी, इधरों आप प्लग आ जोड़ा ला लिया है, तो हम जोड़ा अपना ई एस सी आ इस आप लगा लें, ठीक है जी। मेरे हिसाब न इस तरह लगेगा, ये दूजे चैनल च लाया वही आप, ठीक है, वाइट तार अंदर रख के। तो हम आप जो इस बैटरी अटैच कर लें अपनी, इधरों ऑफ आ, आप बैटरी ला ली, इधरों हम करा जी आप ऑन, आता हो गई हूँ एक मिनट जी, ये अपना जरा पुट्ठा लगे लगता। हाँ जी, आप जो ये प्लग आ, ये आप इधर तीजे पार्ट लाया वा, ता जो अपना इस दे नाल अटैच हो सके, ठीक है, ये आप अटैच कर लिया। तो हम अपना जोड़ा आ मोटर वाला, तो इधरों आप मोटर के नाल आके आप तारा ला लिया ने, तो हम देखते हैं इसमें चला के, ठीक है, इस तरह जो प्लग लग गया, तो आवे सर जरा हिलदा जी, जहाँ तो बैटरी लो लगती है मैनू, मेरा ये इस तरह कर दें, क्योंकि अपनी बैटरी भी नहीं चार्जर। हाँ जी, हम आप सर्वो अटैच की, तो अपनी बैटरी थोड़ी जी लो आई, तो सर्वो देखते जी चला के आप, हाँ
ਅਵੇ ਸਰ ਸਰਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੋਟਰ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੋਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਰ ਲੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਈ ਐੱਸ ਸੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਹਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਬੋ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਸਰਬੋ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੋ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵੋ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਗਰਲੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਘੁੱਕਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਐਕਸਲ ਘੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸਦਾ ਫੇਰ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਸਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਬਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਔਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫੋਨ ਦੀ, ਫਲੈਸ਼ ਔਨ ਕਰ ਲਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਲੈਸ਼ ਔਨ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਸਦਾ ਬੰਪਰ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇਸਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਰਕਾਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਛਤਰੀ ਪਈ, ਉਹ ਡੈੱਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਟ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਲਈ ਜੇ ਲਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ।